अस्सलाम वालेकुम नानो के दस्तरखान से आज प्यार भरा सलाम मेरी प्यारी प्यारी बहनों को। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ रेड बीन। रेड बीन के तो वैसे बहुत फायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जहन को तेज करता है और खाने में भी बहुत टेस्ट होता है, बनाने में भी बहुत आसान होता है। तो आज मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसमें 4 to 5 स्पून ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें 1 स्पून जीरा डाल रही हूँ, ठीक है। जैसे ही जीरा ये गरम होगा तो मेरे पास फ्राई अनियन है, मैं वो दिखाती हूँ। अब देखिए, फिर मैंने फ्राई जीरा डाला था छोटे, ये एक स्पून। अब मेरे पास फ्राइड अनियन है, आप पहले अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको, मैं इसमें 1/2 कप अनियन डाल रही हूँ, फ्राइड अनियन, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले प्याज को फ्राई कीजिए और फिर इसमें जीरा डाल दीजिए, ठीक है। जब ये रेडी है तो अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, 1 स्पून 2 स्पून, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ठीक है। अब मैं सारे मसाले आपको दिखाती हूँ मैं कैसे डालूंगी, स्लो स्लो इसको भूनती भी जाऊंगी और इसमें मसाले भी। बनाना बहुत आसान है, बहुत क्विक बन जाता है अगर आपके पास कैन है। मैंने तो कैन मंगा लिया, आपके पास नहीं है तो पैकेट्स में आते हैं रेड बीन, आपने उसको मंगाया और उसको अपने रात भर पानी में भिगो कर रखा और सुबह वैसे ही बॉईल कर लिया जैसे हम लोग चने को, व्हाइट चने ब्लैक चने को बॉईल कर लेते हैं। मेरे पास कैन था तो मैं कैन से बनाना सिखा रही हूँ आपको, ठीक है। अब मैं आपको मसाले दिखा रही हूँ सारे, इसमें मुझे क्या क्या डालना है। ये देखिए, रेड मिर्च है 2 स्पून, धनिया 1.5 स्पून, हल्दी 1/2 स्पून, गरम मसाला 1 स्पून, सारे डाल दिए। अब इसमें जीरा पिसा हुआ है, ठीक है, जीरा पिसा हुआ मैंने डाला 1 स्पून, ठीक है। अब जायका भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। वैसे वैसे ही रेड है मगर जब ब्राउन रेड होता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, 1 स्पून। अच्छा, अब इसमें इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं भूनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करती हूँ। अब ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और मसाला को बहुत अच्छे से भूनूंगी जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए, ठीक है। जब ये अच्छे से रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार हुआ। बनाना बहुत आसान है, ज़रूर बनाइए, रेड बीन बच्चों को खिलाइए, बहुत हेल्दी फूड है और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी मैं बता रही हूँ, इसमें कोई मसाले और उसका मसला ऐसा नहीं है। बस ये सारे मसाले अच्छे से भूनने चाहिए। आपने पहले प्याज फ्राई कर लिया, मेरे पास प्याज फ्राई था तो मैंने वही डाल दिया, 1/2 कप जीरा डाल दिया, हल्दी मिर्च गरम मसाला रेड चिली और कश्मीरी लाल मिर्च क्यूमन पिसा हुआ जीरा पिसा हुआ डाला मैंने। ये देखिए, अब ये भून गया हमारा, इसमें ऑयल आ गया नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें बीन जो मेरे पास कैन में थे रेडी हैं तैयार पकाने के लिए, मैं इसको डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं ग्रेवी वाला बनाऊंगी क्योंकि बच्चे रोटी के साथ खाएंगे, मैं एकदम ड्राई नहीं बनाऊंगी। ये देखिए, ये दोनों कैन मैंने रेड बीन्स मेरे पास रेडी था तो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब नमक सबसे ज़्यादा डालूंगी और ये टमाटो प्यूरी, अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 टमाटर ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने 2 स्पून डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको हल्की आँच में पकाती रहूँगी, थोड़ा सा भून लूँ ऐसे करके, ऑयल ऊपर आ चुका है, गले गई बीन्स है, मैं 15 मिनट्स इसको और पकाऊंगी और ये रेडी है। अब इसमें और मज़ीद में क्या डालूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने हसबें चाहता इसमें नमक डाल दिया, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें 3 हरी मिर्चें बीच में से कट लगा के मैंने इसमें डाल दी। अब ये हल्की आँच में बनेगा और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ठीक है, क्योंकि गले हुए तो हैं ये, इनको बस कुक करना है नाइसली के ताकि सारे मसाले इसमें अंदर बहुत अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए और खाने को ये रेडी हो जाए। बस ये बीन बहुत मज़े के होते हैं, ज़रूर बनाइएगा। अब मैं आपको, जब ये तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें बिल्कुल तैयार है, इसमें मैंने लाल मिर्चें डाल दी थी और मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपके पास कैन ना हो तो आप रात को बीन को पानी में डाल दीजिए और उसको पानी में भिगो कर रख दीजिए, सुबह उसको बॉईल कर लीजिए, बस बीन रेडी हो जाएंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
अब ये देखिए रेड बीन बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बनाने में बहुत आसान है। ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बना के खिलाइएगा। अल्लाह।